AC is a transverse common tangent to two circle with center P and Q. ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है. अब क्या है, ए सी इज अ ट्रांसवर्स टेंजेंट, ये हो गया ए, ये हो गया सी. अब विद सेंटर्स पी एंड क्यू, इसका सेंटर पी, इसका सेंटर क्यू, एंड रेडियस 6 और 3, इसका रेडियस 6, इसका रेडियस 3, at the point A and C respectively. If AC cuts PQ at the point B, AC cuts PQ at the point B, and AB is equal to 8, ये AB कितना है, 8 है, then the length of PQ is, देखो यार पहला रूल क्या होता है कि ये जो ट्राइंगल है, always remember triangle A P B similar to triangle Q C B. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्यों, ये एंगल 90 डिग्री और ये पीछे वाले एंगल जो है, ये दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दो एंगल इक्वल, ये दो एंगल इक्वल. तो अगर कभी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाए तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है और फिर ट्राइंगल हो जाता है सिमिलर. तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है. अब इसका रेडियस 6 है, इसका रेडियस 3 है, मतलब इस वाले ट्राइंगल का साइज डबल है इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल का रेडियस जो है इससे डबल है ना. अब देखो ये 6 है, ये 8 है और ये 90 डिग्री है. 6 8 से पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है हमारे पास, 10 आता है, तो ये कितना हो गया, 10. अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल से डबल है, क्यों, ये इसका रेडियस इससे डबल है, तो इसकी ये साइड इस वाली साइड से डबल होगी, ये 10 है. अगर पी बी कितना है, 10, तो देन क्यू बी कितना हो जाएगा, इफ पी बी इज इक्वल टू 10 देन क्यू बी विल बी इक्वल टू 5, तो पी क्यू कितना हो गया, 15, ठीक है ना. तो आंसर होगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4.